वेलकम टू सुचित्राज बायोलॉजी। आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, उसका इनिशिएशन पढ़ेंगे आज हम। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलॉन्गेशन, लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो आज हम इनिशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में ओराइसी नाम का रीजन होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। दिस इज द साइट वेयर द रेप्लिकेशन बिगिंस। सो ओराइसी हैज three 13 more sequence and 5 9 more sequence. This region 3 से 13 more sequence जो है, या region जो है, actually 3 से 13 more sequence जो है, that is rich in 80 rich. So 80 rich है, तो unwinding यहीं पे होती है, DNA unwinding. DNA unwinding यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि 80 rich है। अगर GC होता तो वो बहुत ज्यादा difficult होता उस region को separate करना, इसलिए 80 rich region is more appropriate और easy to unwind the DNA. क्योंकि यहाँ DNA unwinding होती है, तो इस region को हम DUE भी कहते हैं, DNA unwinding element. And this 5-9 more sequence is known as DNA A box. DNA A box इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे एक प्रोटीन आता है, DNA A प्रोटीन, जो यहां आके बाइंड करता है इस रीजन पे, डीएनए ए नाम का प्रोटीन आके बाइंड करता है, जो कि इनिशिएट कराता है रेप्लिकेशन को इन प्रोकैरियोट्स। तो इट इज द फर्स्ट प्रोटीन दैट कम्स एंड बाइंड्स टू डीएनए एंड हेल्प्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स की बात। ओके, अब ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया कि ओराइसी में क्या क्या सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन होता कैसे। ये जो डीएनए था, यहाँ पे वही 3-13 मर सीक्वेंस था और यहाँ 5-9 मर सीक्वेंस था, ठीक है। ये वाला रीजन क्या था? डीएनए ए बॉक्स था, राइट। जो प्रोटीन आता है डीएनए ए प्रोटीन, और वो आके यहाँ पे बाइंड कर लेता है, और एक और प्रोटीन होता है HU, जो कि हेल्प करता है, हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब डीएनए बेंड हो चुका है, ये 3-13 मोर रीजन है और
और ये हमारा 59 मेरिडियन है। यहाँ पे डीएनए ए तो बाइंड कर चुका है। अब ये जो एच यू था ये भी एक प्रोटीन है, ये बाइंड करा दिया डीएनए को। तो होगा क्या कि ये जो था ये एटी रिच था, तो यहाँ पे क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग मतलब ये जो ऐसा है डीएनए दैट विल ओपन अप इनटू दिस, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है यहाँ बेस पेयर के बीच में ये ब्रेक हो जाएंगे, तो ये जो डीएनए है वो खुल जाएगा, बबल बना देगा, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो अब ये अनवाइंड कौन कराता है, अनवाइंड के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए दूसरा, जिसको कहते हैं डीएनए बी। डीएनए बी का एक्टिविटी क्या होता है, हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज। तो ये हेलिकेज का काम क्या है, डीएनए अनवाइंड कराना। तो ये यहाँ पे डीएनए बी आएगा और इसको क्या करेगा, ओपन करना चालू करेगा। अब डीएनए बी को यहाँ बाइंड कराने के लिए एक और प्रोटीन चाहिए होती है, दैट इज डीएनए सी। डीएनए सी का क्या काम है, इट इज अ हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर मतलब इट विल हेल्प डीएनए बी, दैट इज द हेलिकेज, इट विल हेल्प डीएनए बी टू लोड ऑन टू द डीएनए, सो दैट डीएनए बी कैन नाउ सेपरेट और अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड्स। अब ये एच यू ने बेंड कर दिया, डीएनए बी ने जो है अनवाइंडिंग करा दी विद द हेल्प ऑफ डीएनए सी। अब क्या होगा, ये जो डीएनए था ये खुल गया, ठीक है, ये बन गया बबल हमारा, एप्लीकेशन बबल, जो है स्ट्रैंड सेपरेट हो चुकी है। अब ये जो स्ट्रैंड सेपरेट तो हो चुकी है, लेकिन ये वापस से कंबाइन ना हो जाए, ये वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना ले, इसके एक और प्रोटीन होती है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन नाम से ही हमें पता चल रहा है, इट विल हेल्प द डीएनए टू बी इन द सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म, मतलब डबल स्ट्रैंड बनने से प्रिवेंट करता है ये। ऐसे ही इस वाले स्ट्रैंड पे भी होगी, इस वाले स्ट्रैंड पे भी होगी, ठीक है। अब ये ओपन हो गया, सेपरेट हो गया, और ये जो डीएनए बी है द हेलिकेज, ये क्या करता है, एटीपी यूज करता है, एनर्जी चाहिए उसको, उसको एनर्जी चाहिए इसको अनवाइंड कराने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ऐसे ही तो ब्रेक होंगे ही नहीं, तो डीएनए बी जो है वो एटीपी यूज करता है और इसको अनवाइंड कराता है, ओके, सो इट हैज एटीपेज एक्टिविटी। अब ये डीएनए अनवाइंडिंग तो हो गई, डीएनए अनवाइंडिंग जैसे हो गई, तो मान लो यहां से जैसे डीएनए खुल रहा है, तो इस साइड में क्या होगा कि स्ट्रैंड प्रोड्यूस होने लगेगा, मतलब कि जैसे ये कोई रस्सी है और हम अगर उसे खोलना चालू करते हैं, तो दूसरे एंड पे क्या होता है, स्ट्रेन आ जाता है। सपोज दिस इज अ रोप, अभी यहां से मैं खोल रही हूँ, ठीक है, यहां से मैं खोल रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉइलिंग है वो बढ़ जाएगा, मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रहा है, स्ट्रेन या टेंशन बोल सकते हो। तो इसको कौन रिमूव करता है, इसको रिमूव करता है एक एंजाइम टोपो आइसोमरेज, और प्रोकैरियोट्स के केस में वो होता है टोपो आइसोमरेज 4, या उसको गायरेज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये मतलब एक ही एंजाइम है, इसको टोपो आइसोमरेज 4 या गायरेज बोल सकते हो, और ये बिलोंग करता है टोपो आइसोमरेज 2 टाइप के फैमिली को, ठीक है। ये जो ये क्या टोपोआइसोमरेज करता ये है कि इट रिमूव्स पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग,
कॉज ड्यू टू डीएनए अनवाइंडिंग। डीएनए जो होता है ना, डीएनए एक्चुअली होता है नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड, नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग होती है उसमें नेचुरली। तो जब ये डीएनए जब खुलता है तो उसमें आ जाता है तब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, जो कि डीएनए के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको रिमूव करता है कौन? टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज कैसे रिमूव करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को? बाय इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो टोपोआइसोमेरेज 4 जो है वो इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को डीएनए में और रिमूव करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो ये एंजाइम्स थी जो कि इनिशिएशन और डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में काम आती है। एक और एंजाइम होता है। तो अब तक क्या हुआ कि डीएनए था डबल स्ट्रैंड में, डीएनए था ठीक है, उसके बाद एच यू आया, डीएनए ए आया। तो डीएनए ये याद रखने कि डीएनए ए जो है वो फर्स्ट प्रोटीन है ना जो पहले आता है, ठीक है। फिर हमारा कौन आया? हेलिकेज आया ऐसे। फिर ये एच यू के प्रेजेंस से क्या हुआ कि जो डीएनए था वो बेंट हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके बेंट हो गया। अब उसके बाद आया था हमारा डीएनए बी हेलिकेज। हेलिकेज और डीएनए सी हेलिकेज लोडर है ना। तो डीएनए की अनवाइंडिंग भी हो गई थी, जैसे ऐसे करके डीएनए की अनवाइंडिंग भी हो गई थी। ये डीएनए अनवाइंडिंग यहाँ पे हो गया और इसको कि ये वापस हाइड्रोजन बॉन्ड ना फॉर्म करे उसके लिए क्या था? एसएसबी आया था। और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो था उसको रिमूव करने के लिए क्या आया था? टोपोआइसोमेरेज 4 आया था और या गाइरेज आया था। तो अभी तक ये ही हुआ है, ठीक है। डीएनए बी जो हेलिकेज है वो एटीपी यूज करता है, एनर्जी यूज करता है। अब एक एंजाइम होता है डीएनए जी, यानी प्रोटीन होता है डीएनए जी, जो क्या है? प्राइमेज है। प्राइमेज क्या होता है? प्राइमेज ये है कि इट सिंथेसाइजेस शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जिसका लेंथ होता है 10 से कुछ 12 बेस पेयर्स का, 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। मतलब डीएनए जी है प्राइमेज जो है प्राइमर सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइजेस प्राइमर। डीएनए जी को प्राइमेज भी बोलते हैं। डीएनए जी जो है प्रोकैरियोट्स के केस में है, यूकैरियोट्स में अलग होगा कुछ नाम उसका। ये सिंथेसाइज करेगा प्राइमर। प्राइमर कुछ नहीं है, आरएनए है ठीक है, आरएनए है जिसका थर्ड में ओएच रहता है, यहाँ पे 5 फॉस्फेट रहता है। ये जो आरएनए है ये 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होता है, कहीं कहीं 10 से 14 ऐसे ही प्लस माइनस क्यों करके दिख रहे हैं, 12 से 14 या 10 से 12 जैसा भी। तो क्या आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है, आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो इसको एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो इलोंगेशन है। सो इनिशिएशन में क्या क्या एंजाइम्स थे वो एक शॉर्ट नोट टाइप कर बना लेते हैं। एंजाइम्स इन इनिशिएशन, ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स है ना। तो पहला वहां लिख लेते हैं डीएनए ए था सबसे पहला, तो फिर था डीएनए बी था, फिर डीएनए सी था, फिर एसएसबी था, टोपोआइसोमेरेज 4 था, या फिर गाइरेज बोल सकते हैं,
और जो है वो डीएनए, जी जो है एक्चुअली प्राइमेज, ये इलोंगेशन से स्टार्ट होगा, तो इसको अभी यही रहना, ठीक है। तो डीएनए ए क्या था भाई, बाइंड्स टू डीएनए ए बॉक्स, है ना, और ये क्या है, फर्स्ट प्रोटीन टू बाइंड टू डीएनए, ठीक है। डीएनए बी क्या है, हेलिकेज है, और इसके पास क्या होती है, एटीपीएज एक्टिविटी होती है, मतलब यूजर्स एटीपी, ठीक है, ये कुछ नहीं है, हेलिकेज लोडर है, हेलिकेज को लोड करता है डीएनए में, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स कंबाइनिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू फॉर्म डबल स्ट्रैंड डीएनए, मतलब प्रिवेंट करता सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को एक साथ कंबाइन होने से, और टोपोइसोमेरेज 4 का काम है रिमूव्स पॉजिटिव सुपर कॉइल, ठीक है, फ्रॉम डीएनए, जो कि कॉज होता है ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो यही कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इनिशिएशन में काम आते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट केस में देखेंगे, जो कि इलॉन्गेशन का वीडियो होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।